कंप्यूटर में VLC मीडिया प्लेयर का यूज़ करते हो ना? अरे बताओ करते हो कि नहीं, अगर करते हो तो अभी जाके अनइंस्टॉल करो इसे और फिर आके वीडियो देख लेना, मैं बताता हूँ आपको कि क्यों अनइंस्टॉल करवाया। तब तक के लिए मैं अपना इंट्रो प्ले कर देता हूँ। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप। तो अनइंस्टॉल कर दी, ठीक है, सही है ना? अभी आप लोग सेफ हो। बताता हूँ कि क्यों मैंने अनइंस्टॉल करवाया। अरे दोस्तों, ये VLC मीडिया प्लेयर जो है, इसमें अभी एक ऐसा बग देखने को मिला है जिसमें जर्मन सिक्योरिटी एजेंसी ने बताया कि इसमें एक ऐसा चीज़ मिला है जिसके ज़रिए कोई दूसरा, हो सकता है कोई हैकर हो, वो आपके कंप्यूटर में एक्सेस पा सकते हैं, आपका कंप्यूटर का कंट्रोल उसके पास जा सकता है अगर आपके कंप्यूटर में VLC मीडिया प्लेयर है तो। VLC मीडिया प्लेयर ने अभी इसके लिए कोई जो सोल्यूशन है वो नहीं निकाला है, इसका कोई पैच अभी तक नहीं निकाला है, इसलिए बोल रहे हैं कि अभी एक अनइंस्टॉल करो, जब तक पैच निकल जाएगा तब तक यूज़ कर लेना फिर से। पता है कि VLC मीडिया प्लेयर बहुत अच्छा है, अनइंस्टॉल करने का मन नहीं कर रहा है। अब आपकी मर्ज़ी, आपका कंप्यूटर जब हैक हो जाएगा तब सोचोगे कि अरे भाई अनइंस्टॉल कर देते तो अच्छा होता। बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकते हैं, कोई मैलवेयर आ सकते हैं, और ऐसा भी हो रहा है रैंसमवेयर अटैक। अगर आपको इसके बारे में पता है तो बता देता हूँ। इसमें क्या होता है कि आपका जो कंप्यूटर है उसका कंट्रोल, पूरा कंट्रोल हैकर के पास चला जाता है, हैकर के हाथ में, और वे चुटकी में ना आपका पूरा कंप्यूटर, जितने भी फाइल्स है वो एनक्रिप्ट कर सकता है, उसका पूरा सिक्योरिटी का जो फंडा है वो उसके हाथ में चला जाएगा, और वो चाहे तो आपसे डिमांड कर सकता है पैसे की, कि उसके अकाउंट में इतने पैसे डालो तब जाके आपको अपना कंप्यूटर का डेटा मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा उतना मायने नहीं रखते तो आप नहीं कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो VLC को। ऐसा नहीं कि इसमें कोई वायरस आ गया है, दरअसल इसमें एक फीचर है VLC मीडिया प्लेयर के अंदर जिसमें आप एक वीडियो को जो है अपने दोस्तों के साथ एक साथ देख सकते हैं। मान लीजिए आप घर में रहते हैं, आपके दोस्त कोई बाहर रहता है, आपके रिश्तेदार कोई और जगह पर रहता है, तो आप लोग चाहते हैं कि एक वीडियो को जो है एक साथ तीन या चार लोगों मिलकर एंजॉय करें, तो इस फीचर के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि एक ही वीडियो को तीन लोग मिलकर देख सकते हैं ऑनलाइन। इसका नाम है रिमोट मीडिया प्ले। अब हैकर क्या कर रहे हैं, इसी का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं और आपके कंप्यूटर में घुस रहे हैं, आपके कंप्यूटर का डेटा इनक्रिप्ट कर सकते हैं, और भी बताया मैंने कि वायरस डाल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका अगर कोई अच्छा खासा फ़ैन फॉलोइंग है ट्विटर में, आपका यूट्यूब चैनल है, या फिर आपका फेसबुक का पेज है कोई बहुत अच्छा पेज, तो अगर हैकर चाहते हैं तो आपका वो जो पासवर्ड है वो चोरी कर सकता है। सिर्फ इसी बार ही नहीं कि जब यूएस का जो सरकारी दफ्तर है उसे हैक कर लिया गया था ऐसे रैंसमवेयर के ज़रिए, और हुआ था, और एक हाँ यूएस का एक कॉलेज का सर्वर जो है वो हैक किया गया था ऐसे ही रैंसमवेयर अटैक के ज़रिए, जहाँ पे एक स्क्रीन में एक अकाउंट आ रहा था, अकाउंट नंबर, और बोल रहा था कि यहाँ पे पैसे डालो उसके बाद ही डेटा जो है वो मिलेगा। ये जो अटैक है ये सिर्फ गवर्नमेंट सर्वर या फिर कॉलेज के सर्वर में ही नहीं, ये एक हॉस्पिटल के सर्वर में भी हुआ था, जहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट जितने भी है उनके सारे रिकॉर्ड्स, मतलब क्या दवाई दी गई थी, पिछले रिकॉर्ड्स, सारे कुछ रिकॉर्ड्स जो है वो ऑनलाइन सर्वर में रहते हैं, और डॉक्टर्स क्या करते हैं ऑनलाइन के थ्रू उस डेटा को चेक करके फिर ट्रीटमेंट करते हैं उस पेशेंट का। तो ठीक है, तो जब ऐसा अटैक हुआ और हैकर ने सारे जो जानकारी थे, डेटा थे पेशेंट के, सब अपने पास रख लिए और डिमांड किए उनके पास पैसे की, तो उनको पैसा देना पड़ा, क्योंकि उस डेटा से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक पेशेंट की जान की कीमत। क्योंकि अगर डॉक्टर के पास डेटा नहीं होंगे तो वो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, मतलब आप अगला स्टेप जो है वो कैसे लेंगे कि इस पेशेंट के साथ क्या किया जाए। तो ऐसे अटैक्स होते रहते हैं, तो तब अच्छा हुआ था कि तब माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ये अटैक हुआ था और माइक्रोसॉफ्ट ने इसका पैच निकाल दिया था और ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया था, लेकिन अभी इसका कोई पैच नहीं आया VLC के बारे में। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अनइंस्टॉल कर दीजिए। वैसे तो ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ विंडोज़, लिनक्स और यूनिक्स जो लोग यूज़ करते हैं उनके साथ ही हो रहा है, जो लोग मैक यानी एप्पल का PC यूज़ करते हैं उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो वो लोग सुरक्षित है। आप लोग अभी सुरक्षित नहीं हो जो लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं, अगर अनइंस्टॉल कर चुके हो तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो अभी जाके कर लो, जब तक पैच आ जाएगा तो फिर से इंस्टॉल करके यूज़ कर लेना। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए और ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए क्रेजी एक्स।